एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप मेहरबानी करके सभी लोग लॉकडाउन का सही तरह से इस्तेमाल करें, उसका पालन करें। जो भी भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन बताई गई है, हम सबने उनका पालन करना है। हमें एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई रखनी है। हमें हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना है। दिन में जब भी कहीं बाहर से आते हैं, खेत से आते हैं, हमने अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना है। कोशिश करना है जिसके पास सुविधा हो सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप साबुन से अपने हाथों को बार बार साफ कर सकते हैं। दिन के समय या रात के समय जब भी आप पानी पीते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और यह भी जरूरी है कि चाय की जगह देसी काढ़ा इस्तेमाल करें, जो हमारी इम्यूनिटी को कम करने से बचाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ आप सबसे मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी बच्चे जिनके पास भी स्मार्टफोन है, वे आरोग्य सेतु ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, जिससे हम सभी इस लड़ाई को महामारी से जो हम लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, उसको कम करने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर हम सबको अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाना है, तो हमें गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो भी गाइडलाइन आती हैं, उनका सही तरह से पालन करना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें ना किसी दूसरी पंचायत में जाना है, ना ही दूसरी पंचायत से किसी आदमी को अपने पंचायत में आने देना है। अगर कोई भी जो अपना पंचायत का आदमी बाहर से आता है, उनसे भी निवेदन है कि आप अपना स्क्रीनिंग सही तरह से करके आ जाइए, और जब तक आपको होम क्वारंटाइन का आदेश मिला है, आप होम क्वारंटाइन का सही तरीके से पालन करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे और इस महामारी से जो हम लड़ाई हमारी सरकार लड़ रही है, उसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।